नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम गोलगप्पे। ये मटर हमने भिगो दी थी, ये है 1.5 कटोरी है मटर भिगो दी थी, तो जो 2 कटोरी हो गई है भीग गई। और दो पानी से हमने अच्छे पानी से 2-3 बार धुल दिया। अब इसे कुकर में प्रेशर कुकर में डालेंगे। मटर के साथ गोलगप्पे बनाओ तो जो बहुत अच्छे बनते हैं। प्रेशर कुकर में हमने मटर डाल दी है। अब इसमें छोटे छोटे 2-3 आलू हैं, वो डालेंगे। आलू हमने धुल दिए हैं, अच्छे पानी से इसमें डाल लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे 2 गिलास। इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। दो पिंच है इसमें मीठा सोडा डालेंगे। इसमें अब सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर 2 पिंच, हल्दी पाउडर, मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। अब इसे हिला देंगे। अब इसे ढक्कन लगा देंगे, 2 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। 1 कटोरी हमने सूजी ले ली है। अब उसमें 1 मुट्ठी आटा डालेंगे गेहूं का, जिसे हम रोटियां बनाते हैं। 1 मुट्ठी है गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे। अब इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। गोलगप्पे बनाना बहुत आसान है, इसे मोइन बोलते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दिया। अब इसे हाथों की सहायता से मिला लेंगे। हाथों की सहायता से मोइन है वो कर लिया है, बिल्कुल ऐसा हो गया है। आप गेहूं चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा सक्का आटा गूंदेंगे। आप गेहूं का आटा डालना चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहो तो सूजी के भी बना सकते हो। ऐसे आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद लिया है, बिल्कुल इस तरीका का आटा गूंदा है। सूजी है दोस्तों, ये सूजी फूलती है तो थोड़ा सा ढीला ही रखें, सूजी फूल के सख्त आटा हो जाएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया है। मटर अपनी उबल गई है। इसमें हमने 2 सीटी लगाई थी, तीसरी सीटी इसकी भर के रख दी थी। आलू भी उबल गए हैं। आलू एक थाली में निकाल लेंगे। आलू सारे निकाल लेंगे ऐसे। आलू सारे निकाल लिए हैं, सारे आलू इसमें से निकाल लिए हैं। अब जो मटर है ये अपनी थिक हो जाएगी, थोड़ा अभी पतला है इसका पानी, ठंडा हो जाएगा तब इसका थिक हो जाएगा। आलू जो है अपने अब ये छील लेंगे। फिर इसमें सूखा नमक मिर्च डालेंगे, इसमें सूखे मसाले, ठंडा हो जाए आलू, फिर इसे छीलेंगे। 5 मिनट के लिए हमने आटा बना रख दिया था। अब इसे हाथों की सहायता से मल लेंगे। थोड़ा हमने ढीला ही रखा था,
अब सूजी फूली है तो आटा अब सख्त हो गया है। ऐसा हमें बिल्कुल आटा चाहिए। उंगली बढ़ रही है। अब इसकी लोइयां बनाएंगे हम, फिर बनाएंगे गोल गप्पे। इतनी बड़ी लोई बनाई है रोटी के हिसाब से। अब इसे रोटी की तरह पेल लेंगे, फिर कटर से इसे ढक्कन से काटेंगे। हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। इसे इतना पतला रखा है, बिल्कुल न मोटी है न पतली, देखो इस तरीका का रखा है। अब इसकी इस ढक्कन की सहायता से इसे काटेंगे रख के। इसे काट लेंगे इसे रख के ढक्कन से। इसे हमने निशान बना लिए हैं। अब इसे रोटी को हटा लेंगे इस तरीका से। अब इसे हटा लेंगे। इसे हटा लेंगे, ऐसे हटा लेंगे। रोटी हमने हटा लिए हैं। अब गोल गोल बना लिए हैं। अब एक तरफ कढ़ाई में रख दी है। कढ़ाई में रिफाइंड तेल डाल दिया। देखेंगे कढ़ाई अपनी तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये अपने जो गोल गप्पे बनाए हैं, छोटी छोटी पूड़ियां। अब इसे तलेंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। इसे तलते जाएंगे। पूड़ियां अपनी फूल गई हैं। सारी पूड़ियां देखो बिल्कुल इस तरीका से बनाए, सब सारी फूल जाएंगी। बस धीमी आंच पे इसे पकाएं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। तो इस तरीका से बनाए, इस तरीका से बनाए, बहुत आसान है। बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं, इसे सारे फूल जाते हैं। बिल्कुल कड़क हैं, नीचे जाएं, एक हफ्ते तक स्टोर करके रख लें। इसे बेच डालेंगे इधर दूसरा बेच बना लिया। अब इसे ऐसे हटा लेंगे, डालेंगे इसमें बिल्कुल धीमी आंच पे एक हाथ से इस तरह की कढ़ाई पे चलाते जाएंगे। आलू हमने छील लिए हैं। अब इसे छोटा छोटा तोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा तोड़ लिया है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर है इसमें, हर धनिया पाउडर इसमें, ये मिर्ची पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है। अब इन्हें मिला लेंगे हाथों की सहायता से। इसमें दूसरा बेच हमारा कुक हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे, इस तरीका के सारे बना लेंगे गोल गप्पे। गोल
गोलगप्पे बनाना बहुत आसान है। इस तरीके से सारे बना लेंगे। जिसमें मिला ली है पानी बना रहे हैं गोलगप्पे के लिए, इसमें एक चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर है इसमें डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें अमचूर पाउडर में नमक होता है। अब इसे चम्मच से मिला देंगे। पानी बनके अपना रेडी है। दोस्तों इस तरीका से बनाएं गोलगप्पे, आसान है बनाना। सूजी के बिल्कुल कड़क हैं, इसे चाहो तोड़ के देख सकते हो, आवाज आ रही, ऐसे टूट जाते हैं। जो पापड़ी बनी है, जिस रह गई जो पापड़ी है, इसकी चाट बनाएंगे, इसकी भी खस्ता बनेगी, देखो टूट रही है। इसे भी खाने में अच्छी लगती है। बिल्कुल गोलगप्पे ऐसे बनते हैं, बिल्कुल खस्ता, देखो टूट रही है। गोलगप्पे बनाना आसान है। बनाई है उसकी चाटपने बनाएंगे। ये पापड़ी तोड़ लेंगे छोटी छोटी, इसमें डालेंगे। तोड़ ली है, अब इसमें मटर डालेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, आलू की नमकीन है, भुजिया बनी है इसे डालेंगे। दोस्तों इस तरीके की चाट बना के खाएं, बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों इसमें प्याज डालेंगे। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। इस तरीका की बना के खाएं, बहुत अच्छी लगती है। पापड़ी की चाट बनाना बहुत आसान है। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस तरीका से बनाएं खाएं तो अच्छी लगती है। वीडियो बनाना आसान है। इसमें आलू डालेंगे थोड़े थोड़े, अब इसमें मटर डालेंगे। मटर डाल दी है, अब इसमें जो पानी बनाया है वो डालेंगे, थोड़ा प्याज डाल देंगे। जो अमचूर वाला पाउडर पानी बनाया है वो डालेंगे। इस तरीका के गोलगप्पे बनाएं, खाएं, कमेंट करें। दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। सूजी के गोलगप्पे बनाना बहुत आसान है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, इसे हमें मोटिवेशन होता है